करप्शन केस में पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला के बाद अब कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह सरारी पर बर्खास्तगी की तलवार लटक रही है। उधर कांग्रेस के नेता भी करप्शन केस में मान सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी करप्शन के मुद्दे पर अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली आम आदमी पार्टी अब करप्शन के मुद्दे पर फंसती नजर आ रही है और इसकी वजह है मान सरकार के कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह सरारी। करीब एक महीने पहले फौजा सिंह सरारी का एक ऑडियो टेप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें सरारी अपने करीबी से जबरन वसूली की प्लानिंग को लेकर बात कर रहे थे। सोशल मीडिया में इस ऑडियो क्लिप के वायरल होने के साथ ही मंत्री की बर्खास्तगी को लेकर मांग उठने लगी थी। इस मुद्दे पर विधानसभा के विशेष सत्र में भी जमकर हंगामा हुआ, लेकिन मंत्री जी पर न कार्रवाई हुई और न कोई ठोस कदम उठाया गया। लेकिन अब फौजा सिंह सरारी पर कार्रवाई को लेकर एक बार फिर कांग्रेस नेताओं ने मोर्चा खोल दिया। बरनाले से आई इन तस्वीरों को देखिए। डीसी ऑफिस के बाहर कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता मान और सरारी की तस्वीरों वाले पोस्टर के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं और सीएम से बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। पंजाब सरकार के मंत्री ने फौजा सिंह सरारी जिन्हों की कि आडियो एक वायरल हुई थी पैसे के लैन देन के संबंध के उसके संबंध से अभी धरना अज ला रहे भी उन्होंने बर्खास्त किया जाए। पूरे पंजाब दे विच ये हर जिला हेडक्वार्टर दे विचों साडी पंजाब कांग्रेस ला रही है। जिहड़ा पिछले दिन जो एक मंत्री फौजा सिंह सरारी है उसकी आडियो लीक हुई थी, जो जिहड़ा रिश्वत लैन देन जो सैटिंग कर रहा सीगा, पर इन्होंने जो अपने आप को ईमानदार सरकार कहाउंदे आ इन्होंने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उस मामले को बिल्कुल ठंडे पासे च पाता है। पंजाब सरकार भगवंत मान केजरीवाल सरकार ये कह के आई कहती सी भी असी कदे भी एक पैसे का भी कल जी है करप्शन है उन्होंने बर्दाश्त नहीं करांगे। दो मंत्री जेड़े एक तो मंत्री जेड़े सिंगला जी सी मानसा वाले उहदे च तां भगवंत मान जी आप कहिंदे सी भी साडे कोले उहदे सबूत ने साडे कोल आईडी है उहनूं बर्खास्त कीता, पर अज वी उह आम आदमी पार्टी दा मैंबर है। अज ही उह भगवंत मान दे नाल बहि के उह मीटिंगां करदे ने। कैबिनेट मंत्री के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन का कुछ ऐसा ही हाल फरीदकोट में भी देखने को मिला। पूर्व कांग्रेसी विधायक कुशालदीप की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैनर पोस्टर के साथ घंटा घर चौराहे पर प्रदर्शन किया। ये आज कांग्रेस पार्टी वालों प्रोटेस्ट किया गया पंजाब सरकार के विरोध में, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जिहड़ी सरकार है बाकी सारे फ्रंटा ते तो फेल हो चुकी है बुरी तरह इन्हां 6 महीनों च। ते सब तो वड्डा जिहड़ा उन्होंने प्रचार आपदा किया सी ओह किया सी कि जी असी कट्टड़ ईमानदार सरकार है। वैसे कोई लफ्ज तो है नहीं पर वो वरतते होंगे, मैं तां कह रहा कट्टड़ ईमानदार। सो इन 6 महीनों च देख लो मंत्रियों का MLA का की कुछ सामने आया, उन्होंने ईमानदारी बारे की कुछ सामने आया, सोशल मीडिया से आया, अखबारों से आया, TV चैनलों से आया, तुहाडे प्रेस बारे वीर राही आया। सो साडी तां बेनती है इस कट्टड़ ईमानदार सरकार नूं कि ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਤੇ ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਮੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਓਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੇ ਮੁੱਦੇ ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਘੇਰਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਓਂ ਕਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰ ਸਵਾਸਥਯ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਕੋ ਵੀ ਤਤਕਾਲ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਕੀ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ CM ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਹਾਊਸ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ।
बट अनफॉर्चुनेटली उहदे बारे कोई डिस्कशन नहीं हुई। और जिहड़ा धरना असैंबली दे विच लग्या MLAs दा अज ओह डिस्ट्रिक्ट लैवल ते आ गया। फाजिलका में भी कांग्रेस नेताओं ने करप्शन के मुद्दे पर मान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि मान सरकार जानबूझकर कैबिनेट मंत्री को बचा रही है। सरारी के खिलाफ पार्टी की तरफ से अब तक सिर्फ कारण बताओ नोटिस ही जारी किया गया है, ना ही कोई एक्शन लिया, ना ही ऑडियो क्लिप की जांच कराई गई। अज साडी मुख मंग जिहड़ी है वह यह है कि सरदार फौजा सिंह जी सरारी जिहड़े कैबिनेट मंत्री है उन्हां दी आडियो पूरे दुनिया दे विच वायरल हुई है और किस तरीके दे नाल वह सौदा कर रहे हैं, किस तरीके नाल सैटिंग कर रहे हैं। और यह गल जिन्हां दे नाल उन्हां दी गल हुई है उन्होंने खुद मन्या कि जिहड़ी है आवाज साडी है, लेकिन उसके बावजूद भी पंजाब सरकार जिहड़ी कि यह कहिंदी कि असीं भ्रिष्टाचार मुक्त शासन देना है उसके कन्नां दे उपर जूं तक नहीं रेंगी। फौजा सिंह का ऑडियो सामने आने के बाद मान सरकार बैकफुट पर चल रही है। यही वजह है कि गुजरात और हिमाचल चुनावों को देखते हुए अब कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। वहीं अब ये भी कयास लगाया जा रहा है कि चुनावों के मद्देनजर मान सरकार इस पूरे मामले में जल्द कोई बड़ा फैसला ले सकती है जिससे फौजा सिंह की कुर्सी जा सकती है। बरनाला से राजेश कुमार, फरीदकोट से प्रेम पासी, पठानकोट से पवन सिंह, जालंधर से परमजीत सिंह और फाजिलका से सुरेंद्र गोयल के साथ आज तक ब्यूरो।